त्रयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभीष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, जय केशवव्रत की जय, केशवव्रत पालन करी भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। व्यासदेव जी समस्त शास्त्र और ग्रंथों के प्रणेता, जगत में कृपापूर्वक समस्त शास्त्र ग्रंथ विधि विधान नियम श्रृंखला सब व्यासदेव स्वयं प्रकाशित किया। उसके बाद जो पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को आदेश निर्देश और शक्ति संचार किया। सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम अधिवेशन में जब गंगा किनारे परिकृत महादि सभा में विभिन्न ऋषि महर्षियों के सानिध्यान में समस्त व्रत नियम और साधना उसमें केवल सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति नहीं, भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत परिकारों के कृपापात्र कैसे बनेंगे, उसके लिए सब साधनों का क्रम पर्याय से उन्हें वर्णन किया, लिपिबद्ध किया। तो जब मेष संक्रांति आता है तो उस दिन वर्षों का समाप्ति है, काल पहला वैशाख, वैशाख से नव वर्ष शुरुआत होता है। तो उस समय उन्होंने वर्णन दिया कि केशवव्रत इसमें सालग्राम जी को और तुलसी में जलदान करना और उनको सत्तू आदि सुंदर शरबत पेय पदार्थ उनको समर्पण करना, एक साधारण विधि दिया। अब श्रीमद्भागवत में अदिति जब कश्यप जी के निकट प्रार्थना किया कि हमारे जितने देवता लोग हैं, संतान लोग हैं, ये अपने अभिमानी पंडित अभिमानी बड़ा पदों के मर्यादा और सब ज्ञान गुणी होने से ये सब अनर्थ कर डालते हैं, ये झुकना नहीं सीखा और उपयुक्त आदर सम्मान सबको देते नहीं, अनर्थ कर डालते हैं, अपने अपराध के कारण अब पतन हो जाता है और उसका फल भोग करना पड़ता है। कभी गुरु का अनादर करता है, कभी और स्वयं भगवान उनका भी अनादर करता है, अवज्ञा करता है, उनसे भी लड़ने मरने जाता है। हाँ, प्रभुता पाई मत गाहे नहीं,
थोड़ा सा योग्यता और पद मर्यादा मिल जाता है, प्रभु ही देते हैं, किंतु उस समय हजम नहीं कर पाता, सोचता है कि छीनू की होनू, क्या था मैं, क्या हो गया, जंगल के बंदर आज श्याम सुंदर हो गया है, क्या क्या हमारा नाम रूप हमारा प्राप्ति हो गया, अब तो मैं क्या बन गया। वो नहीं सोचता कि मैं कहाँ था, कौन से जंगल के, कौन से बंदर और कौन से कीड़े मकोड़े, गुरु वैष्णव ने उठा करके कहाँ पहुँचा है, अपने चरण में स्थान दिया तो अब गुरु वैष्णव कौन होता है, मैं सब कुछ हूँ, हमारे इच्छा के अनुसार चलो। तो ये देवता लोग तो जहाँ पद मर्यादा मिला तो नदनी अदिति कहती है ये अनर्थ कर डाला, और उसके कारण भी इतना कष्ट पाता है फिर भी नहीं सुधरता, क्योंकि अमृतपान कर लिया, मरेगा तो है नहीं है, वो चिंता नहीं है मैं मरूंगा, ये चिंता नहीं है, मनुष्य तो मृत्यु है, जीवित नहीं है, क्षण क्षण में मरता है नहीं? और दो दिन बाद कहाँ जाएगा को पता नहीं, क्यों देवता को ये पक्का पता है, शान है मैं मरूंगा नहीं, अमर बेल खा लिया अमर गुटी मैं मरूंगा ही नहीं, तो उनको डर नहीं, इसलिए जो इच्छा सो कर डालता है, और दुखी भी होता है, फल भी भोगना पड़ता है, यह नहीं कि अमृत पान कर लिया तो कर्मफल से छुटकारा मिल जाए, ये नहीं, तुम्हारा चोला बदलेगा नहीं, शरीर नहीं बदलेगा चलो, किंतु तुम्हें कुकर्म करोगे तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, सकर्म फलभुक मन छोड़ेगा नहीं, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, चाहे गुरु बनो चाहे आचार्य बनो चाहे कुछ भी बन जाओ, अनर्थ करने से उसका मुक्ति नहीं है, रिहाई नहीं है, भोगना पड़ेगा। तो बहुत दुखी थी, फिर कश्यप जी से प्रार्थना की, तो कश्यप जी ने बोला देखो इन लोगों का यदि कल्याण चाहती हो तो तुम व्रत धारण करो, जब मेष संक्रांति में बृहस्पति गुरु आते हैं वो बड़े ही शुभ होता है, उस समय तुम सारा दिन भगवान का मंत्र का जप करो, और तुलसी और शालिग्राम के सानिध्य में बैठ करके और उनके निकट जलदान करो, चंदन हाँ पुष्पादि समर्पण करो और मंत्र का जप करो, शाम के समय में भगवान को तुलसी जी को निकाल करके श्रृंगार आदि करके और उनके लिए खीर का खीर बनाओ, और ब्राह्मण देवता संत भक्तों को भोजन कराओ, और इसके बाद में उनके उच्छिष्ट से यदि एक टुकड़ा बचता है उसमें से ही अपना गुजारा करो, जब तुम व्रत को पूरा करोगे तो तुम्हारे लिए चिंता नहीं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और आकर के तुम्हें वरदान देंगे, तुम जो कुछ चाहती हो सब पूरा कर देंगे, चिंता नहीं है, किंतु शुद्ध पूर्वक हाँ व्रत करना है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होने पाए, क्योंकि वो पहले भी व्रत करने गई थी एक बार ऐसे, तो इंद्र आकर बोले माँ मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, बड़ा बेटा राजपद छोड़ करके देवेंद्र हैं अब सेवा में आ गया, इतनी सेवा करने लग गया, क्योंकि उनको डर था मुझसे कोई बलवान अब मेरे माँ के गर्भ में आया हुआ है, अब मैं इनको नष्ट करूँगा, मुझसे बलवान कोई नहीं होना चाहिए हैं, अब क्या किया, 9 महीना हो गया, 10 महीना में जब आया तो सारा दिन के बाद में भोजन करके वो हाथ नहीं धोया मुंह नहीं धोया कुल्ला नहीं की सो गई, बस ये उनका गलती देख करके इंद्र घुस गया पेट में गर्भ में और जाके उन्हें 49 टुकड़ा कर दिया, करके निकल के भग गया, उनका काम हो गया, अब सेवा टेवा नहीं, कहाँ गया इंद्र, कहाँ गया कोई पता नहीं, जब गर्भ से संतान आए निकले देखा टुकड़ा 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 इतना सारा टुकड़ा 49 टुकड़ा, ये क्या है, कश्यप जी को पूछे ये क्या है, आपने कैसा व्रत दिया था, मैंने पहले कैसा व्रत किया कठिन किया, तो फिर इंद्र को बुलाया हाँ, और तुमने ये क्या किया,
बोले ठीक है, मैं इनको जीवित करता हूँ और ये मेरा अनुजाई चलेगा, मेरा शासन स्वीकार करेगा, मेरा अनुगत्य करेगा, मेरा सेवक बनेगा। तो देखो, चाहे इंद्र बने, चाहे चंद्र बने, चाहे वरुण बने, देवता बने, हैं, या ईर्ष्या आदेश आसानी से जाता नहीं, तो भक्ति कहाँ से लाभ करेगा? भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम कहते, भक्ति ही भक्ति कैसे लाभ करेगा? जब तक हृदय में ज्वाला है, ईर्ष्या है, देश है, माशुर्य है, स्पर्धा है, प्रतिष्ठा है, तो कहाँ भक्ति में प्रवेश करेगा? तो कश्यप जी ने आपकी बार बोले, तुम पवित्र रहना और दिन भर मंत्र करना, शाम को ब्राह्मणों को, देवताओं को और पूज्य संतों को, हाँ, उनको सम्मान आदर करके, उनका आशीर्वाद लेके, उनका भोजन पान करा के, तब तुम उनके उच्चिष्ट से तुम अपना नियम को पूरा करना। तो जब उन्होंने किया तो स्वयं वामनदेव आकर के आविर्भूत हुए। उस समय वामनदेव ने क्या कहा, कि माता, इन लोगों के अंदर गुरु भक्ति नहीं है, ये गुरु जी के कृपा के पात्र नहीं बन सकते, गुरु का अनादर करता है, गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु को अपने नौकर बना रखा है, ये कर दो, आप हमारे पुरोहित है, आप हमारे गुरु है, हैं, जब सब काम कर देंगे गुरुदेव, तो उनकी पूजा करो, उनका आराधना करो, उनकी सम्मान करो, नहीं, काम बन गया तो तुम कौन होते हो? बोले काजे समय काजी, काज पूरा ले पाजी, जब तक काम है तब तो गुरु है, वैष्णव है, संत है, साधु है, सब हमारे हैं, और जब काम हो गया और तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो इसके कारण इन लोगों ने गुरु की इतना अवज्ञा की, गुरु अंतर्ध्यान हो गया, अब इन लोगों की दुर्दशा है। अब इन लोगों को यदि मैं खुद गुरु भक्ति लाकर दे सकूँ तो इनका कल्याण हो सकता है, इनके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। तब जब उनका जनेऊ संस्कार हुआ तो भिक्षा मांगने चले गए, सब लोग देने को तैयार है, किससे नहीं लिया, बोले ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरा जरूरत मान सम्मान ये नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए, उसके बाद जाऊंगा जिसके पास गुरु भक्ति है। इस जगत में ये चीज़ मिलेगा नहीं, कहीं तोल मोल करके, खरीद करके और कुछ साधन करके हैं अपने गुरु भक्ति को अर्जन कर लेगा, जिसमें गुरु भक्ति है उनसे मिल सकता है। तो वो वामन देव कहाँ, स्वर्गलोक हैं, वहाँ से नीचे उतरते गए, सूतलोक में चले गए, जाकर के बोले महाराज दरबार में वो पीछे खड़े हुए, ये नहीं कि सामने आकर के आसन बिछा कर बैठ गए, मेरे को दे दो भिक्षा, दे दो ये, दे दो, नहीं, नम्र अभिनय बन करके, दीन ही नकिंचन बन के, ओ लंगूटी और कमंडलो खड़ा, छत्री लेके, जानू पहन के खड़े हुए, दिव्य तेज देख करके सबात चमक गया, सब लोग बोले बाबा इतना तेज कहाँ से आया, इतना प्रभाव, दिव्य ब्रह्म तेज, ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण है। महाराज ने बलि ने सबको दान दे दी, आखिरी उनसे प्रार्थना के हाथ जोड़ करके, हे ब्राह्मण, आज मेरा वह भाग्य है, ये केवल हमारे स्वभाव तेजोमय हो गया ऐसा नहीं, हमारे हृदय में भी आज प्रकाश आ गया, हमारा हृदय भी आज उल्लसित हो गया, मैं इतना दान दिया कभी मैं प्रसन्न नहीं हुआ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी मैं क्या सेवा करूँ, हैं, कपटता करके नहीं, हैं, क्यों, हृदय शुद्ध है तो गुरु भक्ति है, गुरु सेवा करते हैं, इतना गुरु सेवा किया, हैं, गुरुदेव प्रसन्न होकर के सदा सर्वदा उनकी सुरक्षा रख दी, बना दी, ब्रजवंशी ब्राह्मण, हैं, और
उन लोगों को मदद करने के लिए सदा सर्वदा तैयार, कितने भी गलत करे किंतु गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति गलत नहीं। अन्यत्र कुछ भी मार काट करे, लड़ाई करे, किंतु गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा है, इससे पार पा जाते हैं। और सब जगह में अच्छा है, गुरु के निकट आके उत्पात में जाते हैं, अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? सब सद्गुण होने से क्या लाभ है? हाँ, बोले सब सद्गुण है, बाप का बेटा है, कि बाप से कोई मतलब नहीं रखता है। और एक दुष्ट है, बदमाश है, चरित्रहीन है, सबसे तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, किंतु माता पिता का सम्मान करता है, आदर करता है, तो माता पिता उनके लिए भी तपस्या करते हैं, ये सकुशल रहे, राजी खुशी रहे। और जो राजी खुशी है, जो आदर सम्मान नहीं करना सीखा, तो उनका दुर्दशा है, कौन रक्षा करेगा उसका? तो बोली महाराज के पास वामनदेव क्या कहते हैं, महाराज मैं आपके दरबार में आया बहुत छोटा सा चीज़ लेने के लिए, थोड़ा सा चीज़, क्योंकि मेरे को तपस्या करना है, मैं देखा कोई पवित्र स्थान नहीं है, आपके पास आया, मुझे ऐसे सुंदर पवित्र स्थान दे दो जिसमें मैं बैठकर कुछ आराधना तपस्या कर सकूं, क्योंकि राजसी तामसी और सात्विकी तीनों गुणों में ही हैं, त्रिगुण्य विषयावेदा निस्तरित गुण भवार्जुन, सब जगह गुणमय हैं, मैं निर्गुण स्थान चाहता हूँ, ये तीनों गुणों से अतीत, तीनों लोगों से अतीत निर्गुण स्थान चाहता हूँ, जहाँ मैं कुछ तपस्या कर सकूँ। तो बोले महाराज यदि कहे कि मैं ऐसे स्थान कहाँ से ला दूँ, हैं, तो कहते हैं आपके पास है, क्यों? आपने त्रिगुणातीत हैं जो गुरु हैं, जो गुणातीत है, गुणमय नहीं, गुणमय गुरु नहीं होता, हाँ गुणमय गुरु होता है, किंतु गुरु तो त्रिगुणातीत है, कुछ साधारण तो है नहीं, वो गुरु भक्ति आप में है, आप त्रिगुणातीत हैं, तो तीनों गुणों को पार करके जो निर्गुण वस्तु तत्व है, मैं वो आपके कृपा चाहता हूँ, आपके पास दान मांगता हूँ, आप मुझे दो। तो बोलते हैं ठीक है, बोले फिर संकल्प करो। संकल्प करने गया तो गुरुदेव आ गया, बोले तू गुरु भक्ति दे देगा हैं तो तेरे पास रहेगा क्या हैं? क्योंकि यदि ये मांग के ले गया हैं तेरे पास कुछ रहेगा नहीं, फिर क्या करेगा? जिसके पास गुरुनिष्ठा है, गुरु भक्ति है, गुरु को बांध के रख दिया प्रीति के द्वारा, सेवा के द्वारा, आराधना तपस्या के द्वारा, तो उनके पास किस चीज़ की कमी है? सारा विश्व वशीभूत भगवान वशीभूत हो जाते हैं उनके पास। प्रथमं तो गुरु पूज्येत ततस्यैव ममास्यनम कुर्वन् सिद्धिं अपाप्नोति अन्यथा विफलं भवेत्। चाहे कितना आराधना कर लो, यदि गुरु सेवा नहीं की, गुरु कृपा नहीं है, तो भगवान भी प्रसन्न है, भगवान भी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज वामनदेव कहते हैं अब मुझे वो तीनों गुण को पार कर, त्रिलोकी को पार करके मैं तीन पद भूमि मांगता हूँ, अर्थात तीनों गुणातीत होकर के जो जो गुरु भक्ति है तुम्हारे पास उसको मांगता हूँ। क्यों छल बल करके डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, क्या कहा? मैं तीन पग मांगता हूँ, तीन पग भूमि और अधिक नहीं। तो बोली महाराज देना चाहते हैं तो गुरु आ गए, गुरु सब समझते हैं अंतर्जामी। गुरु बोले मत दे, बोली बोल मैं तो संकल्प कर डाला, बोले पुकार देना हाँ भूल गया, बोले इसके बोल विपत्ति काल में अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये दोष नहीं होता। महान विपत्ति तुम्हारे पर गुरुतर विपत्ति है, क्योंकि मेरे से तुमको अलग करेगा वो, जिस प्रीति के द्वारा तुमने मुझे बांध लिया, बस कर लिया, आज वो चीज़ चला गया तो तुम कुछ रहेगा नहीं और तुम हमारा रहोगे नहीं, हैं।
भाई सारा विश्व महाप्रलय हो जाए कोई बात नहीं, किंतु गुरु के चरणों से कभी भी हटने की कोशिश मत नहीं करना। गुरु हरिरुष्टे गुरुत्रता गुरु रुष्टे न कृष्ण बोलते, हरि यदि रुष्ट हो जाए ना गुरु बचा लेंगे, किंतु गुरु रुष्ट हो जाने से हरि नहीं बचाएगा, हरि उसके सकल भी नहीं देखेंगे। किंतु हमारे आज प्रभु कैसे कृपालु, ओ बोली महाराज जी को बोले संकल्प करूँ, बोले कमंडल में जल नहीं निकल रहा है, बोले कुशा ले लो हमारा आसन से कुशा से छेद कर दो, देखो कुछ अटक गया। और कुशा छेद करने गए तो गुरु का आँखी फूट गया, खून आने लग गया, देखो ना हो गया ना, गुरु नाराज हो गए अर्थात गुरु को फोड़ दी। अब वो फिर भाग गए, संकल्प करा, किंतु सब कुछ करके फिर उनको तीनों गुणों से बांध करके पटक दिया। अब निर्गुण अब गुरु बचाने आएंगे, अब उनको कोई छुड़ाएगा है? और तीनों पग में वो तिलों की नापली नहीं, तीनों गुणों से उनको अति जो निर्गुण तत्व था अर्थात उनका उनको सर में चरण दे दी, और दे करके उससे बोला आपने सब कुछ तो नाप लिया, मेरे को तो नहीं लिया, मेरे को ले लो, तो मेरे को ले लो मत, तो मेरे जो कुछ है आपका ही है, बस ले तो ली। झोली भर के खुश तो हो गया, लेकर के देवताओं को मदद कर दी। ये पूरा काल की बहुत पुरानी बात है, और भी बहुत सारा हाँ पुराने उपनिषदों में भागवत का ये इतना सा सूत्र है, श्लोक का वामन देव का अवतार का कितना सुंदर सुंदर व्याख्या है वामन पुराण में, यदि तो पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कैसा सुंदर व्यासदेव जी ने व्याख्या किया है। और वहाँ उन्होंने प्रतिष्ठा करा कि आज बोली दूर हट गया, किंतु नहीं, भगवान ने क्या किया, बांध तो दिया। इतने प्रहलाद महाराज आ गए, बोलते हैं प्रभु आपके नाम लेने से सारा जगत का बंधन मुक्त से मुक्त हो जाता है, और आपको सब कुछ समर्पण करके फिर आप उनको बांध दिया। बोले मेरा बस तो है कुछ भी करूं, जो मेरे को समर्पण कर दे बांध क्यों देखूं, मेरा है, या दुख देखे देखूं मेरा है, शासन करूं जो कुछ करूं मेरा है, भूखे रखूं नंगा रखूं जो कुछ करूं मेरा संपत्ति मेरे को दे दिया। प्रहलाद महाराज कहते प्रभु आपके लिए आप आपका रहस्य मैं विचारों को हम कैसे समझे, बोले मैं यदि उसको यदि अपनाऊँ नहीं बांधू नहीं, वो कुछ और किसी के पास चला गया किसी का हो गया, तो जब मेरे को दे दिया मैं अपने पास खूंटे में बांध के रख दिया, भाई एक गाय आपने खरीद ली या किसी ने दान दी आपने मेरे खूंटे में लाए तो उसको मैंने अपने पास रख दिया, अब उसका परिणाम क्या हुआ, बलि को तो बांध दी प्रभु ने। और प्रहलाद महाराज जी आए सबने प्रार्थना की तो खोल तो दिया, किंतु बलि के अंदर सद्गुण का भंडार और प्रभु के छवि हृदय में और प्रवेश करके स्थान बना लिया। अब बलि महाराज को प्रभु कहते हैं बलि अब कुछ मुझसे वर मांग लो, कुछ चाहिए तो तुम्हें, क्योंकि मैं मेरा दर्शन तुम्हारे लिए बड़े स्वाभाविक है, अब तुम कुछ भी मांग लो मुझसे। बलि महाराज बोलते हैं प्रभु एक बार जब अपना लिया चरण में स्थान दे दिया, अब मुझे कभी छोड़ना नहीं और दूर हटाना नहीं फेंकना नहीं, मैं सुबह से शाम तक 24 घंटा में आपके दर्शन के अलावा मैं अन्य कुछ दर्शन करूँ ही नहीं और किसी के आश्रम में जाऊँ ही नहीं, आपके चरणारविंद में मैं सदा सर्वदा रह सकूँ, आप मुझे उपेक्षा मत करना अवहेलना फेंकना नहीं। तब ब्रह्मदेव ने कहा प्रहलाद महाराज को अब आप
सुतरलोक में सदा वर्तमान रहेंगे, क्योंकि आप सदा हरि कीर्तन, हरि सेवा, परायण, हरिनाम, हरिकथा के द्वारा सब स्वयं को तृप्त करेंगे। नहीं, ये मेरे को तृप्त करेंगे, नहीं तो मैं बोली के दरबार में रह क्या करूँगा, बोली के पास रहना तो पड़ेगा मुझे अब, किंतु मैं चाहता हूँ आप भी रहो। क्यों? बिना सत्संग न पावो ही प्राणी है, कभी बुद्धि बिगड़ सकता है यदि सत्संग नहीं है तो। तो प्रहलाद महाराज को बोला, और इधर में प्रभु क्या किया, एक स्वरूप में यहाँ रह गए तो दूसरे स्वरूप में देवताओं के पास उपेंद्र बन करके, अब वामन देव नहीं है, इंद्र का छोटा भाई बनकर उपेंद्र बनकर के वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ सुबह से शाम तक वहाँ रहते हैं, फिर बाद में रात हो जाता है तो चले जाते हैं। दिन भर उनको सद्बुद्धि देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, कोई भी झंझट पड़ा तो सब लोग उपेंद्र के पास आ जाते हैं, इंद्र भी सम्मान करता है। कभी कभी ओ बुद्धि खराब है ना, तमसी राजसी बुद्धि है, कभी सात्विक की बुद्धि भी होता है कि निर्गुण निर्गुण तत्व में तो नहीं है, इससे उपेंद्र वामनदेव चाहते हैं कि इनको कुछ निर्गुण तत्वों की भी कुछ सिखाए और समझाए, हैं गुरु के चरण में शरणागत होए, उनकी सेवा करे और उनके आदर करे, उनके आराधना करे, उनके इच्छा के बिना स्वतंत्र कुछ न करे। किंतु बड़ा कठिन है, जहाँ भोगों का प्राचुर्य है वहाँ पर गुरु भक्ति बहुत कठिन है। निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित होना, गुणमय वस्तु के द्वारा कृष्ण और बंधे हुए हैं तो उसमें गुणातीत कैसे हुए, फिर भी चेष्टा करते हैं। अब हम लोग आते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, जब भगवान केशव प्रलय काल में से लेकर के कितने अवतार लिया सबके कल्याण के लिए, कभी केशव अधृत मीन शरीर, कभी केशव अधृत कूर्म शरीर, कभी केशव अधृत वामन रूप, केशव सब रूप धारण करके जीवों के कल्याण के लिए अब आते हैं। अब ये केशव स्वयं ब्रज में जब आए तो देखा ऋषि मुनि बहुत ब्रज में आकर के जन्म ग्रहण किया, आविर्भूत हुए, गोप घर में, गोपियों के घर में अलंकृत किया, कोई गाभी बने, कोई हिरण बने, कोई पेड़ पौधे बने, कोई गोपियों के घर में जन्म लिया। और इन लोग को यदि उपयुक्त शिक्षाएं नहीं दी जाए तो ये नहीं समझेंगे ब्रज की मर्यादा और ब्रजवासियों की मर्यादा, विशेष करके गोप गोपियों की। वो तो ग्वाले हैं, वो तो गाय चराते हैं, जंगलों में रहते हैं, हैं इनकी महिमा नहीं समझेंगे, तत्व भी जान नहीं सकते। ऋषि मुनि बहुत तपस्या किया, दंडकारण्य में 60,000 ऋषि लोग रामचंद्र के पास प्रार्थना किया, मुझे अपनाओ, आप को हम प्रियतम के रूप में वरण करना चाहते हैं। किंतु राम कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जाओ त्रेपर युग में, तुम लोग गोपाल मंत्र करते हो ना, गोपी घर में जन्म लोगे और गोपाल के सानिध्य तब मिलेगा, तब मैं भले ही अपना लूँ, अभी नहीं। ऐसे कितना श्रुतिचरी, ऋषिचरी, मुनिचरी, उपनिषद के मंत्र ऋचाए कितने तपस्या किया, कितने रामचंद्र के 100 सीताएँ बना करके उन्होंने 100 यज्ञ किया, 108 वो सीताएँ, उनसे प्रार्थना की स्वीकार करो, तो नहीं उस समय। तो ये सब आए, अब इन लोगों को यदि उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाए ये कभी भी संबंध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, संबंध नहीं होगा। एक ज्ञान होता है तो एक विज्ञान भी चाहिए, एक अनुभव है
किंतु उसके बाद में किस प्रकार से, किस उपाय से, हाँ, कौन से तरीका को अपनाएं कि हम उनको प्रसन्न कर सके भगवान को। मंत्र कर ली, माला कर ली, तप कर ली, जप कर ली, हाँ, तपस्या कर ली, परिक्रमा आदि कर ली, सब कुछ कर लिया, भगवान के चरणों में स्थान मिल गया, किंतु उस प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे, कौन सी सेवा करें, कैसे सेवा करें। आज यदि सेवा नहीं है, सेवोन्मुख वृत्ति नहीं है, तो वो क्या करेगा, पत्थर के टुकड़ा बन के रहेगा। एक फूल भी खिलता है तो उसे मधु भरा रहता है, तो साधन करने के बाद यदि वो मधु नहीं है, आकर्षण नहीं है, वो प्रीति नहीं है, तो प्रीति प्राप्त कहाँ से करेगा। प्रेम ही प्रयोजन है, तो कैसे प्राप्त करेगा। भगवान सोचते हैं, मैं तो वर तो दिया और खुद मैं भी आया, अब इन लोगों को कुछ सिखाना है उपयुक्त रूप में, तब ये लोग आश्रय लेंगे, आश्रय लेकर के अनुगत्य करेंगे तो कुछ शिक्षा करेंगे, नम्र विनयी बनेंगे, योग्यता आएगा और नित्य नवनवायमान रसमय उपासना में, हाँ, रस सेवा में अधिकार लाभ करेगा। और रसिकों के पास नहीं पहुँचा, ये रस कहाँ से मिलेगा, हाँ, ये कोई तो खरीदने का चीज़ तो है नहीं, तब जब से रस मिलेगा ऐसा तो होगा नहीं। आश्रय लोया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आश्रय लेना पड़ेगा। किंतु विषय की उपासना सभी करता है, आश्रय उपासना इर्द गिर्द कोई बिरले कोई करता है, नाम करेगा, मंत्र करेगा प्रभु का, कीर्तन करेगा प्रभु का, किंतु प्रभु के जो प्रियजन हैं, हैं, उनका कौन पूजा आराधना करता है। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी के लिए लिखते हैं, गोस्वामी गोस्वामियों के लिए आचार्य जो श्रीनिवास कहते हैं, हैं, शंकापूर्वक नामगान नतिर्भि कालावसानी कृतो निद्राहार विहार आदि बीतो चाचंत तो दिनों चजो, हैं, किंतु क्या करते हैं उस समय, हे राधे ब्रजदेवी के चलनीति नंद सुनो कुत। ओ राधारानी कहाँ हैं, ललिता देवी, विशाखा देवी सबके प्रार्थना करते, ओ नंदनंदन कहाँ मिलेंगे, अरे नंदनंदन मदन मोहन तो तुम्हें मिल चुका, ओ गोविंद देव तुम्हें मिल चुका, गोपीनाथ मिल चुका, अब क्या चाहिए। नहीं, ओ अकेला, हाँ, ब्रह्म और परब्रह्म से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप के हृदय में उनके जो प्रीति है, आपके हृदय में जो विराजमान है वो चाहिए। कैसे आपने रिझाया, कैसे सेवा किया, कितने कैसे आपने उनको प्रसन्न किया, क्षण क्षण में उनका स्वरूप बदलता है, कितना सुंदर है स्वरूप। कभी किसी गोपी के पास, कभी कहीं, उनका कैसा असमर्थ रूप है, रूप और स्वरूप पद जाना निजे संपद, कैसा रूप है, हाँ, ये एक स्वरूप नहीं, एक रूप नहीं, अनेक रूप नहीं, आपके प्रीति के द्वारा प्रसन्न होकर के उनके जो उल्लास होता है, उस समय जो उनके तेज और प्रसन्नता निखरता है, वो कहाँ मिलेगा। आप तो कृष्ण जानते हैं, सोचते हैं, किंतु इन लोगों को आश्रय देना, अनुगत्य कराना बहुत कठिन काम है, जीव स्वतंत्र है। इनको जबरदस्ती करके कह दो, आज से जैसे महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ आज से तुम स्वरूप दामोदर के हो, वो देखते ही योग्य है, कहने से मान लिया। हमारे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने हमारे गुरु महाराज के लिए कहा, तुम विनोद बिहारी क्या हो, इसके पास रहो, और सिद्धेश्वर ब्रह्मचारी को बोला, तुम भारती महाराज के पास रहो। तो अब कृष्ण कहने में भी डरते हैं, कहने से मानेगा क्या, नहीं सुनेगा कि नहीं, या वो उद्यम शुरू कर देगा, अखड़ है कृष्ण, सोच रहे हैं। इससे कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण देखा ब्रज में सेवा कुंज, जहाँ पर ललिता विशाखा आदि
राधानंद के अनुगत्य में नहीं, वो लोग ज्योतिश्वरी है, वो लोग सब प्रकार की सेवाएं शिक्षा देते हैं राधा रानी के कृपा के लिए, कृपा कटाक्ष भाजनम, कैसे उनके कृपा कटाक्ष पड़े हैं। और मंजरी सखियाँ हैं सब सिखा करके राधा रानी के सेवा में उनको नियुक्त करते हैं। राधा रानी जब देखते हैं योग्य हैं तो कृष्ण सेवा में अधिकार देते हैं। और कृष्ण यदि कहे तुम जाओ मंजरी का अनुगत्य करो, उनके स्कूल में जाओ पढ़ो, सेवा कुंज में जाओ, किंतु जीव इतना हटी है सटी है हाँ, ये नहीं सुनने वाला हाँ। अपना अपना अहंकार अभिमान, वहाँ तो अहंकार नहीं है, निर्गुण तत्व है, फिर भी आश्रय लेना इतना आसान नहीं है। सेवक बनना बहुत कठिन काम है हाँ। अपना व्यक्तित्व को समर्पण कर देना, नौछार कर देना हाँ। तुम्हारी इच्छा है मोर इच्छा में से मानस देह गया जो कि मोर और पिनु तुआपति नंद किशोर। अब नंद किशोर के पास समर्पण कर दिया और नंद किशोर चाहे जैसे रामानुजाचार्य अपने खास सेवक है तो उसको क्या बोला, वो एक गृहस्थी मेरा शिष्य है, उसको परिवार वाले खूब टॉर्चर कर रहे, पानी भरने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उसके पास जा उसको जो कुछ उसके परिवार वाले बोलते करो, सबका पैर दबना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, पानी भरना है, और खाना नहीं और मार खाना, गाली सुनना, बताओ। गुरु का सेवक है, गुरु ने भेज दिया हुँ? कृष्ण सोचते हैं मैं भेजूंगा तो बात मानेगा कि नहीं, इससे कृष्ण बड़े चिंता में पड़ गए। और कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे को भी कुछ व्रत करना पड़ेगा, मेरे को कुछ सीखना पड़ेगा, तभी मैं इन लोगों को सिखा सकता हूँ। महाप्रभु कहते हैं अपन ये आचार्य धर्म सिखा मुझ सवारे, अपना कोयले धर्म सिखाना ना जाए। महाप्रभु कहते हैं मैं संन्यास लूँगा और अपना आचरण करूँगा, सीखूँगा तब सिखाऊँगा। और कृष्ण भी सोच रहे हैं इतने तो आए ब्रज में, इतना ऋषि महर्षि ब्रह्मषि तपस्वी राजर्षि कांडर्षि सारे दुनिया आ गया, जन्म ले ली, इन लोगों को कैसे सिखाऊँ, कैसे कहूँ ये मंजरियों का अनुगत्य कर हैं, ये सखियों का आश्रय ले हैं, सीख कैसे कहूँ और कौन से कहाँ से शुरू करूँ। अब कृष्णा देखते हैं जब तक वो आश्रय विग्रह के कृपा नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति का आश्रय लिया नहीं, शक्तिमान का आश्रय सब लेना चाहता है, क्योंकि शक्ति का आश्रय तो लो, शक्तिमान तो अपने आप ही तुम्हारे लिए हो जाएगा, किंतु शक्ति का आश्रय कोई लेना नहीं चाहता है हैं। कहते हैं राम की लात घुसा खाना मंजूर है किंतु हनुमान के दांत खींच खींच हैं ये नहीं सहन होता। कहते हम गुरु के पास आया, गुरु का बात सुनेंगे, ये ब्रह्मचारियों को से क्या लेना देना है। अच्छा चलो ब्रह्मचारी भी सुन ले तो बाहर के लोग आकर के मुझे शासन करेंगे, क्यों स्वीकार करूँ, उस समय दिखा दूंगा मैं कौन हूँ, मैं हनुमान का, मैं शेर का बच्चा शेर हूँ, मैं तब दिखा दूंगा मैं भी कम नहीं हूँ। तो कहाँ तुम्हारा आश्रय अनुगत्य है, कहाँ तुम्हारा शरणागति है, भगवान करने वाला है या भक्त करने वाला है। नहीं मैं शेर का बच्चा शेर हूँ, स्वाशेर हूँ, वो शेर है मैं स्वाशेर हूँ, मैं करके बन के दिखाऊंगा तुमको मैं कौन हूँ। ये दाम्भिक अहंकार ही क्या होगा, ये क्या मूल्य है। तो कृष्ण सोचते हैं जीवों को आश्रय देने से आश्रय नहीं लेता, वो आश्रय में सबको रखना चाहता है, मेरे आश्रय में रहो, मैं आश्रय विग्रह हूँ, तुम मेरे आश्रय में रहो। बाप रे बाप दादा बोले खेत किसान में गया धान काटने, तो बोले कैसे धान काटोगे, तो कुल्हाड़ी ले आया, कुल्हाड़ी लेके धान काटेगा, गेहूँ काटेगा कुल्हाड़ी से है। तो आजकल एक दुर्दशा, तो कृष्ण सोच रहे क्या करे, इसे कृष्ण ने देखा सेवा कुंज में जाऊं तो मुझे कोई सिखाएगा नहीं, बहुत कोशिश कर ली, टोकरी भर के अलता सिंदूर
तेल अपटन और औषधि लेके भी गोली गोली घूमा। मैं अच्छा सेवा करना जानता हूँ, हैं कोई भी मुझसे सेवा करा लो, पैसा नहीं लगे, निःशुल्क सेवा है। किंतु सेवा भी करने गया, सेवादार को उसे उपहार देने लग गए, बोले चित्रा पुराना फटा कपड़ा पहन के आया, इन्हें नया कपड़ा पहना दो, बड़ा अच्छा सेवा करते हैं। तो वहाँ भी अपना स्वरूप खुल जाएगा, चुपचाप करके छिप करके भग गया। किंतु कोई स्वीकार करे तब ना, सिखाए तब ना। इससे बहुत लीला है, यथा अनंत। अब क्या किया, यमुना किनारे सिंगारवट के नीचे आकर बैठ गए। बैठ करके बोलते हैं, मैं भी व्रत करने बैठ गया, मुझे सिखाना पड़ेगा, और जब मैं सीखूंगा तो मैं औरों को सिखाऊंगा। भाई मेरे पास सब आता है, तो मुझे सब लोग आते हैं, मैं कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ करा नहीं कभी जीवन में, सबकी सेवा लिया, सेवा कभी किया नहीं, वो कैसी सेवा करते ये मुझे पता नहीं। एक दिन नंद बाबा ने बैठे हैं, तो कृष्ण छोटे थे, तो बोले माँ ने बोला बाबा के खड़म लाइ हो, तो गया खड़म लेने के लिए, उठा नहीं पाया, इतना बड़ा तो खड़म है लकड़ी के, हैं ओ हूँ आ करके बहुत कोशिश किया, उठा नहीं पाया। दाव गया भाग्य, दोनों लेकर के, एक नहीं दोनों लेकर के आ गया, बोले खाता नहीं है रोटी है, और कैसे बढ़ेगा चोटी है, खाता नहीं है मक्खन है, कैसे होएगा बलवान। बलदाव चिढ़ाते हैं, वो रोटी चोटी इतनी पतली है, और बलदेव का छोटी मोटी, बलवान पलवान खाता पीता है मस्त मुस्तंड, और कृष्ण खाता ही नहीं है, तो बोले कैसे तू सेवा करेगा। ओ कृष्ण आज सोचते हैं पर दुख कातर, क्या करूँ। तब जब सेवाकुंज में सिंगारवट में बैठे, उस समय सब सखिया मंजरियों के साथ सब ढूंढते ढांढते आकर के देखा, कृष्ण आकर के वहाँ पर जमुना किनारे सिंगारवट के निकट आश्रय लिया। अर्थात यहाँ पर सखियाँ श्रीमती राधारानी का श्रृंगार करती है, सब दिन कितना प्रकार के श्रृंगार के वस्तु हैं, ये यदि 16 श्रृंगार 32 आभरण कितने प्रकार के श्रृंगार हैं, एक नोखों को कैसे श्रृंगार करते हैं, एक चरण कमलों को सखियाँ सेविकाएँ मंजरियाँ श्रीमती राधारानी का कैसे श्रृंगार करती है, वो सब रहस्य विचार। कृष्ण यहाँ अगर बैठे, ठीक है और कोई सेवा करेंगे मैं देखूँगा, इतना तो मेरे को आदेश दोगे, मैं दूर से देख लूँगा, मैं जो अयोग्य हूँ, और यदि मैं कुछ भी सीख गया तो औरों को सिखा सकता हूँ, और कृपा मेरे ऊपर हो गया तो मैं औरों को कृपा दे सकता हूँ, और मेरे ऊपर कृपा नहीं तो मैं क्या दूंगा, क्या दूंगा, ब्रह्मभाव धन दौलत ऐश्वर्य वैकुंठ हाँ, किंतु ये ब्रज प्रेम तो नहीं दे सकता, प्रेमाभक्ति तो नहीं दे सकता है, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्ग भक्ति योग करित प्रचारण, यही दुई कार्य हेतु लीलार उद्गम है। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में ये बोल रहे हैं, अभी प्रेम रस निर्जास कैसे आस्वादन करूँ है। तब जब बैठे सेवा कुंज में, तब देखा सखियाँ राधारानी के कैसे श्रृंगार करती है, बस इतना है कि शिव ठाकुर को जैसे अधिकार दिया वृंदा देवी ने दूर से दर्शन करने के लिए है, किंतु कृष्ण तो बड़ा चंचल है, पति चंचल इतना है कुछ न कुछ कुछ उत्पत्त करेगा, शांति नहीं है, बैठ नहीं सकता एक जगह, तो इनको आसन देने से क्या लाभ है, कुछ न कुछ उद्यम करेगा उत्पत्त करेगा, क्योंकि हम उनको सजाएंगे जब देगा इतना सुंदर है, तभी वो उनका चित्त चंचल हो जाए कि कुछ खुरापत कर डालेगा, कुछ न कुछ कर डालेगा, इससे उनको आसानी से स्थान नहीं देते हैं।
सखियाँ पहले ही दरवाजे में है, गेट कीपर बन करके खड़ी है, जो आकर बोलते हैं मैं अंदर जाऊँ, नहीं, बोले एक बार दर्शन तो करा दो, नहीं आदेश नहीं है। भाई ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माधव जाही माधव जाही माधव जाही, माँ बदो कोई तो बाद हम यहाँ पर तुम्हारा कपड़ता चलेगा नहीं, चलो 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 यहाँ से चलो। कृष्ण हार जाते हैं क्योंकि इतना संचल है, हाँ, क्योंकि वो उल्लास इतना है, वो सखियों को मंजूरी को देख करके अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ब्रह्म हाँ विचलित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। तो अब उनको आश्रय तो दिया, जब देखा राधारानी का श्रृंगार करना, क्या केवल बेनी गुतरे हैं, अभी सिर को केस को संवारा, इतना सुंदर क्या किया राधारानी के लिए, अलका बोली मंडित भाल तटम सुचित दोलित माँ कर कुंडलकम, इतना सुंदर अलका लगाया और राधारानी को श्रृंगार कर रहे हैं। कृष्ण मूर्छित हो गए, होश ही नहीं रहा, कृष्ण कभी दिखाई नहीं, बोले कौन है, हैं त्रिभुवन त्रिभुवन में मैं तो ऐसे देखा नहीं, हैं श्रीमती राधारानी के सौंदर्य से हैं वो मूर्छित हो गए। तो कहते हैं ये जो श्रृंगार भट है, यहाँ पर कृष्ण आकर के ये सेवा मृत लहरी सीखने के लिए यहाँ पर व्रत धारण किया। कहते हैं कुछ लोग, अरे कृष्ण तो ब्रज में थे, स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, किंतु कृष्ण सुबह का निकला सब सखाओं के साथ, गायों के साथ वन में जंगल में गए, तो वहाँ क्या करते थे, केवल खेलकूद करना उद्यम करना, नहीं, कृष्ण ये जो रति प्रद शिक्षा है, रति उत्केली कुंज, किस तरह से इन लोगों को मैं सिखा करके पढ़ा करके योग्य बना करके राधारानी के दास्य में नियुक्त कर सकूं, उसके लिए कृष्ण सब जगह में, ये लोग पहुंच गए तो कि नहीं, उधर श्रीमती राधारानी सखियों के साथ मंदिरों के साथ पहले ही पहुंच करके सब तैयारी करके रख दी, कृष्ण आए कि नहीं, उनके लिए सुंदर झाड़ियों में सुगंधित जल है। जब कृष्ण चल रहे हैं, जा रहे हैं सड़कों में गायों के साथ और नाचते गाते हुए, सिंगा बेत्र विशान बेनु मृदंग ढोल कहार करताल आनंद करके जा रहे हैं, इधर झाड़ियों में झोपड़ियों में कोई रसों के झाड़ी लेकर खड़े हैं, कोई पान लेकर के खड़े हैं, कोई उनके लिए सुंदर सुंदर मिठाई लेके फूल माला लेके कोई मधुर रस लेके खड़े हैं, कैसे सेवा परिपाटी है। और यदि कोई ब्रह्म की उपासना कर ले तो वृत्ति आएगा कहाँ से, सेवा वृत्ति किधर से आएगा, कितना भी जप कर लो तप कर लो जो कुछ कर लो, रूप गोस्वामी प्रभु लिखते हैं अत कृष्णामादि न भवत ग्राह्यम इंद्रिय सेवनमुख ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरत्त द, यदि सेवनमुख वृत्ति नहीं आया ना तो नाम स्फूर्ति नहीं होगा, प्राकृतिक इंद्रियों से नाम कर लोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा लगता है कि प्राण निकल गया एक एक माला करने में, भगवान 24 घंटा कैसे स्फूर्ति होगा, रसला जीवा में नित्य कैसे करेंगे, इसलिए और रुतिप्रद नाम सुखप्रद नाम भगवान के सेवनमुख वृत्ति आएगा तभी ना। ये वृत्ति कृष्ण वन में जंगल में जाते हैं, सखाओं को लेके गाय को लेके सबको सिखा रहे हैं दिखा रहे हैं, देखो श्रीमती राधारानी कहाँ नहीं है, सखियाँ कहाँ नहीं है, मंजरियाँ कहाँ नहीं है, और कैसे सेवा करती है, जब देखा आज दोने नहीं है, हैं तो पेड़ में दोने लग गया, गठौली में कदम के पेड़ उसमें देखा दोने लगे हुए हैं, वहाँ दोने ले ली, जब देखा वो भी नहीं है तो पत्थर को हाथ से रगड़ करके कटोरी बना लिए, थाली बना लिए, खीर खीर पका दिया, बाटी चूरमा बना दिया, हाँ जगह जगह पर कैसी सेवा,
कृष्ण क्या वही सुबह का दही भात ठंडा वही खाएंगे और आचार खाएंगे? ऐसा नहीं। इसे भक्तिम ठाकुर जी ने लिखा जब दोपहर का भोग रागा आरती तो कुछ कुछ अनभिज्ञ लोग कहते हैं कृष्ण तो गोचरण में गए, दोपहर का भोग कहाँ से हुआ और कैसे आरती कर रहे हैं, कैसे भोग लगा रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। आठ नौ बजे, आठ बजे साढ़े नौ बजे तक चले जाते हैं कृष्ण, शाम को आते हैं तो जाते समय खा पी करके जाते हैं, रात को आए खाते हैं। किंतु दोपहर का जो मध्यान्ह लीला है उनमें अधिकारी क्या है, प्रवेशी क्या, वहाँ जो सेवा परिपाटी है ये नंद भवन में कभी संभव नहीं है। नंद भवन में संकोच है, वहाँ जशोदा माता है, रोहिणी माता है, नंद बाबा है, वहाँ उपानंद सुनंद अभिनंद उनके धनिष्ठा कुंदलता कितने सारे हैं कि वहाँ संकोच है। राधा रानी स्वयं जाकर के कुछ परिवेशन करेंगे, थाली दे दिया हाथ में पूड़ी की ले जा रहे हैं, कृष्ण को देखे कांपते कांपते हाथ से गिर गया, मूर्छित हो गई, संभव नहीं है यहाँ। और वहाँ वन में क्या है, ये जो निसंकोच जो सेवा है वहाँ जो परिपाटी है, ये सखाओं को कृष्ण दासों को गाय को बन करके, जो हिरण बन करके, जो तोता बन करके, जितने सारे आए हुए हैं सबको ये प्रतिप्रद शिक्षा कृष्ण देते हैं। इसे कृष्ण ने स्कूल कॉलेज खोल करके खुद घुस गया और वहाँ रह गए नहीं, खुद सीख करके सेवा कुंज सिंगार वर्ष से सब जगह से उन लोग साक्षात्कार करके वो सेवा परिपाटी सिखा रहे हैं। कहीं सूर्य कुंड में, कहीं राधा कुंड में, कहीं गोवर्धन के तरटी में, कहीं गांठोली में, कभी तो वो काम्यवन में, कभी वृंदावन में, प्रतिदिन नित्य नवनवायमान द्वादश वन द्वादश रस, रसों के उपदेष्टा और रसिक कृष्ण और रसिका, इससे बतलाया रसिक बनने के नहीं, रसिका भूमि भावुका, रसिक बनने को नहीं बोला, रसिका भूमि भावुका, भावुक नहीं, इनका आश्रय लेने से, इनका अनुगत्य करने से तो रस का संचार हो सकता है, तब रसिक बन, रसिका बन सकते हैं, भावुका बन सकते हैं। इससे सुखदेव गोस्वामी ने इशारा किया, किंतु हमारे गोस्वामियों ने इन विचारों को, ये रतिप्रद शिक्षा और ये केशव व्रत में कृष्ण ये उनका व्रत है, मैं सीखूंगा और मेरे को आश्रय दो और मैं सीख के मैं सबको शक्ति संचार करके मैं लाऊंगा और तुम समर्पण करूंगा और सिखाऊंगा, नहीं तो और कोई उपाय है नहीं। इसी कृष्ण यहाँ पर ब्रज में 10 साल 6 महीना रहे, किंतु बचपना थोड़े समय के लिए वन गमन नहीं कर सका, दो ढाई साल 3 साल तक, फिर भी चेष्टा करते, किंतु 3 साल के बाद तो कृष्ण सदा के लिए करीब 7 साल ये प्रतिपद शिक्षाएं प्रतिदिन के लिए, एक दिन की छुट्टी नहीं, और एक एक दिन की जो शिक्षा है यदि ऐसे सद्गुरु का आश्रय किया तो उसमें अधिकार मिला तो सुनने को मिलेगा पहले फिर जैसे रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर की बात सुन रहे हैं, और जब आया तो आचार्य श्रीनिवास को देखा समाधिस्थ, वो गुरु कृपा से जहाँ गुरु हैं वहाँ पहुँच गए ना, और राधा कुंड पहुँच गए। ऐसे ही सदगुरु कृपा होए तो इन कथाओं को पहले सुनने को मिलेगा, इसके बाद में रतिप्रद स्थान में लीला रसमय स्थानों में जा करके प्रार्थना करेगा, वहाँ वो हमारे स्मरण पटल में हृदय पटल में कैसे आविर्भूत होए, ये वृत्ति कैसे मैं प्राप्त करूँ, उसी के लिए साधन करेगा। इससे राग मार्ग भक्ति युग में राग मार्ग साधन अलग है, और जो वैदिक मार्ग साधन ये ऊपर से श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन पाद श्रवण दास्य सुख आत्मनिवेदन ये सब है, किंतु वो लीला स्थान में और रतिप्रद स्थान में गोष्ठे गोष्ठे करहरुदन ब्रजभूमि चिंतामणि चिदानंद रत्नखानी जता है ब्रजरस्य विलास, तो ये सब स्थानों में तब जाकर के
प्रार्थना करेगा, सदा स्मरण करेगा। वो सेवनमुख वृत्ति कैसे प्राप्त करे? सदा समुद्विग्न धियाम, सब समुद्विग्न चाहिए, उसके और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण इससे एक महीना वही श्रृंगार वट में प्रतिदिन आना और प्रतिदिन एक एक चीज़ श्रृंगार देखना है, और उनके कृपा भजन कैसे हम बन सकते हैं। हमारे ऋषि लोगों ने क्या कहा, मनिंद्र बिंद वंदित तिलोक सौ को हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी, ब्रजिंद भानु नंदिनी ब्रजिंद सुनु संगते कदा करी शशि मांग कृपा कटाक्ष भाजन, मुझे कृपा कटाक्ष भाजन करो। हाँ, क्यों? मैं वो चीज़ सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और क्या मेरे को ब्रजिंद भानु नंदिनी ब्रजिंद भानु संगते, कैसे ब्रजिंद नंदिनी विश्वानंदिनी सेवा करती है और सेवा सिखाती है, आश्रय दिया है, नहीं तो और कहीं ये चीज़ नहीं है। आप द्वारका जाओगे कोई नहीं पूछेगा सिखेगा नहीं, बैकुंठ जाओगे कुछ नहीं, किंतु एक ब्रज एक स्थान है जहाँ पर कृष्ण सबको बुलाते हैं। गुरुदेव इससे सारा विश्व को निमंत्रण दिया, आओ ब्रज में आओ, स्वयं प्रभुपाद सबको निमंत्रण ब्रज में आओ, ये ब्रज के रज में वो शक्ति है। इसे यदि जानना चाहते हैं प्रभुदानंद सरस्वती पाद का वृंदावन महिमा शतकम पढ़ो। शतकम कैसे हैं? 100 श्लोक नहीं, 100 श्लोक, 100 शतक है, 100 शतक में एक एक में एक एक श्लोक है। देखो क्या लिखा है, क्या सेवा परिपाटी है, राधा सुधारनी को दंडत करके और यदि शर्माते भी लगा लेंगे ना, और कभी उसके एक एक श्लोक का यदि कभी स्मरण कीर्तन कर सके तो देखो किसे ब्रज कहते हैं। वो ब्रज के रज में वो सब शक्ति है, सामर्थ्य है। इससे कृष्ण खुद इस ब्रज रज को वो द्वारका गए तो तब भी मंगाया, मुझे चाहिए। महाप्रभु कहते हैं ये गोपियों के पद रेणु गोपी चंदन अपने ललाट में धारण करो, सर्वांग धारण करो तभी कल्याण हो सकता है। आजकल तो दुर्भाग्य ऐसे हैं, नहीं गोपी चंदन अब नहीं लेना लगाना है, अब तो राधा चंदन लगाना है, किंतु राधा चंदन क्या काला होता है? कृष्ण का चंदन काला होता है, कृष्ण काले हैं, कृष्ण के शरीर से जो मैल निकला और जो कुछ है कृष्ण स्पर्श कर दिया सब काला हो गया, तो कृष्ण का चंदन लगा काला बन करके कृष्ण बनना चाहता है, गोपी चंदन नहीं, गोपी चंदन फेंक दिया उखाड़ करके। अब बोलते हैं ये तो राधा कुंड का राधा चंदन है, राधा चंदन थोड़े कृष्ण ने स्नान किया तो काला हो गया, कृष्ण चंदन है ये, तो कृष्ण का चंदन लगाने कृष्ण खुश नहीं, गोपी चंदन लगाने से कृष्ण खुश होंगे। किंतु दुर्भाग्य ऐसे है वंचित करने के लिए कितना बहाना बना दी लोगों को ठगने के लिए, यही नहीं कितना क्या क्या हो रहा है। इसलिए अहोभाग्य कहते सुखदेव गोस्वामी, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंदव गोप ब्रजौकसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आज पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म ब्रज में सबके मित्र बन कर आए हैं, आए हैं। क्या मित्र? क्या जो मृत्यु से त्राण करने वाला मित्र है? नहीं, जो सदा सर्वदा मुझे नित्य आत्मधर्म में चेतन धर्म में प्रतिष्ठित करने वाला वो मित्र है? नहीं। तो क्या वहाँ कहा ब्रजौ कसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, किंतु पहले लाइन में क्या कहा अहोभाग्यम अहोभाग्यम, एक बार नहीं बोला, पहले बोलते अहोभाग्य नहीं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसम। देखो ये नंद भवन में नंदन वन में आकर के ब्रजौ कसम कि ब्रज एक ब्रजिक, ये ब्रज में जितने हैं सब शिक्षा देने वाले आश्रय देने वाले हैं, उनका परम मित्र बनकर के आकर के उनको सद आश्रय देने के लिए शिक्षा देने के लिए खुद मित्र बनकर के 24 घंटा मदद कर रहे हैं। नहीं तो वो मित्र नहीं है, शर्त के लिए आया पूरा होगा भाग गया, कृष्ण ऐसा नहीं है।
सब समय उनके पास में है, सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इतना प्रिय कौन बनेगा, कौन करेगा। इसलिए ये केशव व्रत कृष्ण खुद व्रत धारण करते हैं कि मैं गोपियों के चरणाश्रय, मंजरी के चरण आश्रय लेकर के, किंकरी के आश्रय लेकर के मैं राधा सेवा, राधा रानी की सेवा शिक्षा कर सकूं और सबको सिखा सकूं, योग्यता दे सकूं, आश्रय ले ले। राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम ताहा जना आश्रय कर लो। कहते हैं राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायसे पावेगिरी धारी। राधिका चरणाश्रय जेकर से महाशय तारे मुई जाऊँ बलिहारी। तो राधा रानी का जी ये सब भक्तिम ठाकुर जी कीर्तन करते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयं कृष्ण दिन रात उस नामों का और जप करते हैं। जैसे आज भी इतना अरब खरब सालों बीतने के बाद में भी आज भी घर घर में जाएंगे तो ब्रज में वो राधे राधे एक दूसरे को सुनाते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये कृष्ण स्वयं खुश है, प्रसन्न है, खुद ये नाम का जप करते हैं, आराधना करते हैं। इसे शिव ठाकुर कहते हैं आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम किंतु तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। विष्णु आराधना श्रेष्ठ है किंतु नहीं तदीयनाम समर्चनम। और क्या कहते हैं, कहते हैं देखो यदि भगवान की पूजा करो, आराधना करो, उसमें संदेह है तुम्हारा सिद्धि होगा कि नहीं। सिद्धि भवती बा नेति संशय अच्युत सेवी नाम, जो अच्युत का सेवा करता है ना, माला मंत्र करता है, उसमें संदेह है तुम्हें सिद्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किंतु असंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्म नाम, निस्संदेह रहो यदि उनके परिकरों के आश्रय लिया, उनके सेवा किया तो तुम्हें वंचित नहीं होना है, सिद्धि तुम्हारे लिए हैं अवश्य ही मिलेगा। इसे भगवान स्वयं इस आराधना करते हैं, सब जगह भगवत आराधना होता है और भगवान अपने आराधना करना शुरू कर दिया। इससे नाम है केशव व्रत, ये नहीं कि औरों का व्रत। तो पहले हम कभी नवद्वीप में, कभी पुरी में, कभी मथुरा में बड़ा कठिन ये सब नियम व्रतों को पालन करना, क्योंकि आश्रय लेना, सेवक बनना बड़ा कठिन काम है। जो सेवक बनने की कभी सोचा नहीं ना, तो वो अहम उनके अंग्रह उपासना उसके पास आएगा ही आएगा। वो मालिक बनेगा ही, कर्ता बनेगा ही, दास नहीं बन पाएगा। कितना सहन करना पड़ेगा पता है। लक्ष्मण सेवक थे, बोले सीता को अग्नि में प्रवेश करेगा, चीता जला, सीता जलाओ, लकड़ी जला लो। बोले क्या बोल रहे हैं, जिनके लिए इतना युद्ध और आप बोले आग में प्रवेश कर रहे हैं। और बोले नहीं, अभी छोड़ के आ जाओ गंगा पार करके। क्या बोले, बोले यहाँ खड़े रहो, कोई आएगा तो घुसने नहीं देना, अब नहीं तो उसका प्राण दंड दूंगा। अब आगे दुर्वासा शोर मचाने लग गए, देखो उनको प्रवेश दिया तो राम ने उसको त्याग दिया। सेवक का कठिन कितना धर्म है, राम बोलते हैं सीता का पहरा देना, मैं जा रहा हूँ। अब सीता क्या बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो राम मर जाएगा तो तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, ये कभी नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ तुम्हारे भाई की विपत्ति पड़ा। देखो किस डर जाए, सेवक के लिए कितना कष्ट है, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। सेवक इतना आसान, सेवक धर्म इतना आसान नहीं है, सेवक बनना बड़ा कठिन है। तो कृष्ण स्वयं आज ये सेवा धर्म को सीख रहे हैं और सेवक कैसे बनेगा, आश्रय कैसे मिलेगा, उसके लिए व्रत शुरू हुआ है। तो हम लोग पहले बहुत महीना तक केवल ही केशव व्रत की कथा चलता था, अब तो ग्रंथकार रूप में कुछ प्रकाशन कर दिया और अच्छा नाम भी दे दिया होली राष्ट्र ब्रज, तो पढ़ोगे तो कुछ मिलेगा, किंतु सीखोगे कहाँ से, आश्रय यदि नहीं लिया तो। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप, आपकी यदि अहित कृपा है तो मैं आश्रय मिले और मैं आश्रय लेकर के कुछ सीख सकूँ। आप
कृपा करके आपके किसी निज निकट निवासम देही गोवर्धनोत्तम, कोई निजर कोई निक उनके निकट में मेरे को वास दे दो सदा के लिए, तो मैं कुछ सीख भी सकूँ। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर काल भाग्य होगा कुछ सुनेंगे, नहीं तो कुछ और होगा। गौर प्रमाण दे।